हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन्स क्रिएशन। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ एक DIY जिसमें मैंने एक बेसिक से प्लांटर पॉट का कैसे मेक ओवर करके न्यू लुक क्रिएट किया है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मैंने इसे बनाया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पॉट को क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट मैंने वॉल पुट्टी एंड वाटर को मिक्स करके स्मूथ डो बना लिया है। इसे बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हार्ड डो बनाया है। उसके बाद सिर्फ हाथ से ही इसे स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि मैंने अपने लास्ट दो वीडियो में वॉल पुट्टी का ही यूज़ किया था, तो मैंने सोचा डो बनाने की स्टेप्स भी आपके साथ शेयर कर दूँ। डो बनाने के बाद हमें इसे वेट क्लॉथ से रेप करके रखना है, सो देट हम अपना आर्ट वर्क कर रहे हों तो ये ड्राई ना हो। बस आपको इसे थोड़ा थोड़ा लेना है और अपना आर्ट वर्क करना है। बातों बातों में मेरे यहाँ फ्लावर्स भी बन गए हैं। इसके लिए सिंपली मैंने डो को फ्लेट किया है एंड स्टेंसिल की हेल्प से इसे कट कर लिया है। अगर स्टेंसिल आपके पास नहीं है तो सिंपली इसे एक पेपर पर ड्रॉ कर लें एंड नाइफ की हेल्प से कुछ इस तरह से कट कर लें। सो बन गया हमारा फ्लावर। नेक्स्ट स्टेप में हमें जहाँ फ्लावर्स को पेस्ट करना है बस हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे एंड वाइट ग्लू की हेल्प से सारे फ्लावर्स को सिंपली पेस्ट करते जाएंगे। अब हमें यहाँ स्टेम बनाना है। कुछ इस तरह से मैंने स्टेम बनाया है एंड पेस्ट किया है। स्टेम पेस्ट करने के बाद हमें लीव्स बनाना है। लीव्स बनाने के लिए सिंपली मैंने लीव शेप को पेपर पर ड्रॉ किया है एंड कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने इस तरह से लीव बना ली है, देन लीव के ऊपर नाइफ की हेल्प से इस तरह का पैटर्न बना लेंगे एंड पॉट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। लीव्स के ऊपर पैटर्न बनाने के लिए सिंपली हमें नाइफ से कट लाइन ड्रॉ करते जाना है। सारी लीव्स को हमें एक एक करके बनाना है एंड पेस्ट करते जाना है। इसके एजेस को थोड़ा पानी की हेल्प से स्मूथ कर लेंगे जिससे कि ये इवन एंड शेप में दिखेगी। नेक्स्ट मैंने बचे हुए डो में ही थोड़ा वाटर ऐड करके ग्रेन्यूलेटेड पेस्ट बना लिया है एंड हमारे आर्ट की नेचुरल ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए पॉट के सबसे लोअर वाले पार्ट पर अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पेंटिंग की स्टेप करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कीप स्माइलिंग का लाइटर ग्रीन शेड ले लिया है। नाउ यू कैन सी इट्स स्मूथ पिगमेंटेशन एंड ग्लोसी फिनिश। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टेम को कलर करने के लिए मैंने यहाँ डार्क ग्रीन एक्रेलिक पेंट लिया है एंड कुछ इस तरह से डिटेलिंग करने के लिए मैंने यहाँ येलो पेंट लिया है। लीव्स को भी फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर येलो एंड ग्रीन कलर मिक्स करके कुछ इस तरह से अप्लाई किया है। फ्लावर्स को पेंट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ डार्क पिंक एंड वायलेट कलर लिया है एंड डिटेलिंग के लिए वाइट, येलो, रेड एंड ब्राउन कलर लिया है। पॉट पर बनाई गई डिज़ाइन एंड कलर ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन एंड कलर चूज़ कर सकते हैं। पॉट पर एक्स्ट्रा कलर को वेट क्लॉथ से रिमूव करके क्लीन कर देंगे एंड लास्ट में रेड एक्रेलिक पेंट से थोड़ा केयरफुली पूरे पॉट को अच्छे से पेंट करना है।
मैंने पॉट के लोअर वाले पार्ट को ब्राउन पेंट से पेंट किया था एंड डिटेलिंग के लिए वाइट पेंट से डॉट पैटर्न बनाया है। यहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेटेलिक कलर लिया है, आप गोल्डन भी ले सकते हैं। नाउ फॉर फिनिशिंग, मैंने यहाँ एशियन पेंट का गोल्ड इनेमल पेंट लिया है जिसके मैंने दो कोट अप्लाई किए हैं। पहले कोट को कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद सेकेंड कोट को अप्लाई करना है एंड लास्ट में एक कोट वार्निश का अप्लाई करके मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख दिया था। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ दिस लग्जरी प्लांटर पॉट। आई होप आज का DIY आप सबको अच्छा लगा हो। इफ यस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ब्लो। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ होम डेकोर रिलेटेड DIYs बनाती हूँ। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।